हेलो दोस्तों, आज यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आप देख सकते हो मैंने सुबह 240 क्वांटिटी बाय करी थी 33 रुपये पे और मैंने उसको 332 रुपये पे एग्जिट कर दी है 240 क्वांटिटी। और मैंने जो पैसे लगाए थे लगभग 8,000 रुपये लगाए थे और प्रॉफिट जो हुआ है लगभग 72,000 रुपये का हुआ है, तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो गया है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, बट मैं प्रॉफिट तो दिखा ही रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो प्रॉफिट है इतना ही मेरे को कई बार लॉस भी हुआ है, कई बार नहीं एक दो बार, एक बार हुआ होगा इसके आसपास ही मेरे को लॉस। और मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो अभी मैं थोड़ा लॉस में ही हूं, मतलब काफ़ी लॉस में हूं, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट करा है वो 1 साल हो चुका है मेरे को, और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने बहुत सारा लॉस करा है। लेकिन हाँ, अब मेरे को मार्केट के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चल गई हैं जिसकी बदौलत ये प्रॉफिट मैंने करा है। अगर आप ये प्रॉफिट देखोगे तो इस पर रिस्क था मात्र हमारा लगभग 8,000 रुपये, ठीक है, और प्रॉफिट हमने इतना बड़ा करा है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक जो है रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, तो मैंने यहाँ से एक पुट की पोजीशन ऊपर से ही बना ली थी और कुछ ही देर में वो उसके बाद गिर गया, तो मैंने तुरंत ही प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर वो मैं जहाँ बुक यहाँ बुक करता तो मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। अब कई लोग ये करते हैं, गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते, ये प्रॉफिट ठीक है आपने कर लिया, ठीक है, अब आप क्या करते, अब आप उसको यहाँ से भी चेस करते, मतलब यहाँ से फिर कॉल लेने की कोशिश करते, तो यहाँ भी प्रॉफिट हो जाता, पर आप उसको कॉल को रख ही सकते थे, रख लेते, या फिर हो सकता है कि आप जो है कॉल ऑप्शन को यहाँ वाई नहीं करते, आप उसको यहाँ टॉप पे जब ये भगने लगा था तब वाई करते और वो वापस नीचे जाता, फिर आपको लॉस हो जाता। या फिर हो सकता था कि आप यहाँ से जो है यहाँ ऊपर आ गया था तो आप यहाँ से एक पुट लेते और वो आपका पैसा वापस से, मतलब धीरे धीरे आपको वो जो प्रॉफिट करा है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो ये गलतियाँ आप करते हो, ठीक है। अब मैंने पहले कर चुका हूँ ये गलतियाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, मैं आपको बता दूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हो तो क्या उसको रिकवर किया जा सकता है। देखिए, अगर आपके पास फंड है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू उस लॉस को रिकवर कर सकते हो। इसमें 5 से लेकर 7 साल भी लग सकते हैं, मार्केट अगर अच्छा रहता है तो 7 साल में आपका पैसा लगभग डबल से ज़्यादा हो सकता है, तो वो वहाँ से रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं उसको 1 से 2 दिन में कर लूँ तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। देखो, कई लोग सोशल मीडिया पे बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन उससे कुछ होता होता ही नहीं। वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं आपसे खुद कहता हूँ कि मैं जो हूँ वो लॉस में हूँ, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमने तो लॉस में थोड़ी ना है, हम तो बहुत प्रॉफिट में भाई साहब, PNL वगैरह कुछ नहीं दिखाते हैं, उसके बावजूद भी प्रॉफिट बस बोलते हैं, लेकिन वो रहते नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग लॉस में रहते हैं और बहुत सारे लोग को कभी तीर में तुक्का लग जाता है ना, तो प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर वो बस उसी का ज्ञान गाते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ कि अभी मैंने जो प्रॉफिट करा है, अब मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सेव रखने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ से अगर मुझे कुछ लेना भी है, मतलब फ्यूचर के लिए, तो मैं यहाँ से ये देखूँगा कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होगा, उसके बाद फिर मैं एक पोजीशन ली 15 दिन के लिए, कोई कॉल पुट दोनों साथ हेज करके बनाऊं, तो ये करूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने यहाँ ले लिया, हाँ अगर मैंने ये प्रॉफिट करा है तो इस पर मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तो 20K ले सकता हूँ इंट्राडे में, ठीक है, वो भी कॉल पुट साथ में एक्सपायरी वाले दिन, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बताने का आपको पर्पस था। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये ट्रेडिंग जो है वो बहुत इजी नहीं है, इसमें भारी नुकसान आपको हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए, 500 से मत कीजिए, 1,000 से मत कीजिए, 2,000 से भी मत कीजिए, 5,000 से भी मत कीजिए, तब तक मत कीजिए जब तक कि आपको कुछ पता नहीं है। जब आपको सब कुछ पता चल जाए तो आप स्टार्ट कर सकते हो शुरुआत 5K से, ठीक है, 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर लीजिए। ओ, ये तो 500 के हो गया, 5K से आप स्टार्ट कीजिए, उसमें आपका स्टॉप लॉस जो है 1,200 रुपये आप स्टॉप लॉस रख लीजिए और 2,000 टारगेट रख लीजिए, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इस पर भी एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये जो ज्ञानबाजी करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये सब चूतियाँ बना रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, आपको अगर सही से पैसे कमाना है तो मैं सही बता दूँ, आप पैसे कमाइए, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए हर महीने, या तो जब SIP की जगह अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जब मार्केट 15% नीचे हो तब थोड़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वो एक अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा जो है ट्रेडिंग से पैसा कमाना नॉट ईजी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।